एक गांव में रामू नाम का एक किसान था। वो आर्थिक रूप से बहुत गरीब था, पर उसका एक इंटेलिजेंट लड़की था जो पढ़ने में बहुत ही सुशील था। एक दिन वे और नीला बातें कर रहा था। नीला ने बोला, पापा मेरा कल एडमिशन है। अगले दिन सुबह रामू एक पेड़ के नीचे छाव में बैठा था, तभी नीला चलते हुए पिताजी के सामने आया। पिताजी मेरा आज एडमिशन है। अब रामू ने बोला, ठीक है बेटे तुम इंतजार ठीक है तुम इंतजार करो। फिर रामू चलते चलते अपने खेत के ओर बढ़ रहा था, क्योंकि बेटी का एडमिशन है तो कुछ पैसा के लिए वो वेजिटेबल को उठाकर बाजार में लेना था। तो वे अपने वेजिटेबल को उठाकर बाजार के ओर चल पड़ा था, और बाजार में जब बेच रहा था तो एक सेठ ने बोला कि तुम इतने कम दाम में अपना सब्जी बेच रहे हो क्यों? रामू ने बोला कि मेरे बेटे का आज एडमिशन है, मुझे किसी भी हालत पर मुझे सारे सब्जी बेचना है। तो सेठ ने बोला, ठीक है तुम पैसा रख लो पूरा वेजिटेबल का, और बेच के मुझे फिर से लौटा देना। तो रामू ने बोला, धन्यवाद सेठ जी, आपके पैसे से मेरे बेटे का आज एडमिशन हो जाएगा, मैं आपको फिर लौटा के दे दूँगा, धन्यवाद। रामू पैसा लेकर और कुछ बुक्स और स्कूल के सामान खरीदने के लिए बुक्स के स्टॉल में गया और बुक्स खरीद लिया। बुक्स खरीद के वे घर के तरफ जा रहा था। अगले वीडियो में देखेंगे कि नीला का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।